दोस्त आज की वीडियो बच्चे, बड़े, मर्द, औरत हर किसी के लिए देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं उस जानकारी को सुनने के बाद आपके होश पूरी तरह से उड़ जाएंगे। दोस्तों आज हम आपको फैक्ट्री के अंदर सुअर की चर्बी से बनने वाले सभी प्रोडक्ट साफ साफ सुअर की चर्बी से बनते दिखाएंगे। दोस्तों सुअर की चर्बी से बनने वाले ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज आपकी डेली रूटीन डाइट में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दूं, सुअर की चर्बी का कंपनी इसलिए ज्यादा इस्तेमाल करती हैं क्योंकि सुअर के अंदर और सभी जानवरों से ज्यादा चर्बी पाई जाती है और ये सुअर की चर्बी टेस्ट को भी बढ़ाती है और कंपनियों को सुअर की चर्बी से बने प्रोडक्ट काफी सस्ते भी पड़ते हैं। दोस्तों आज सुअर की चर्बी का दालों तक में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कैसे दालों में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दोस्तों ये सब आज आप फैक्ट्री के अंदर खुद बनते देखेंगे। क्या मिलाते हो दाल में? जानवरों की चर्बी मिलाते हैं, टेस्ट बढ़ता है उससे। पब्लिक दाल के साथ उंगलियां भी चबा डालती है। कितने कमीने हो तुम, दाल में चर्बी मिला रहे हो? उस होटल को वेजिटेरियन समझ के लोग वहाँ खाना खाने आते हैं बे। लेते हो देसी घी और मिलाते हो जानवरों की चर्बी, क्या ये गलत नहीं है? और साथ ही दोस्तों आज हम आपको सुअर की चर्बी किस प्रोडक्ट में पाई जाती है और किस प्रोडक्ट में नहीं, इसकी पहचान का तरीका भी बताएंगे। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और हमारी कड़ी मेहनत से तैयार इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सुअर की चर्बी से खाने की चीजें बनाई जाती हैं। नूडल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों नूडल्स तो बच्चों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों आप जो ये नूडल्स या फिर किसी भी तरह का नूडल्स आप अपने बच्चे को खिलाते हो, इन नूडल्स से आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी नूडल्स में कंपनियां MSG नाम का इंग्रेडिएंट्स मिलाती हैं। दोस्तों इस MSG को कंपनियां सुअर की चर्बी से बनाती हैं। ये MSG इंग्रेडिएंट्स इन नूडल्स में स्वाद को बढ़ाता है। हालांकि दोस्तों इस MSG इंग्रेडिएंट्स को मक्का, स्टार्च और गन्ने से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मीट इंडस्ट्री से वेस्ट के रूप में आई सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। MSG का मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। MSG से सर दर्द होना, चक्कर आना, पेट खराब होना या फिर पेट में जलन होना जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों इन नूडल्स को फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले आटा, मैदा, कई तरह के मसाले, कई तरह के केमिकल्स, MSG पाउडर यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाउडर और पानी, इन सब चीजों को एक मिक्सर में डालकर इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर आटे की तरह गूंदा जाता है। फिर इस गूंदे हुए आटे को दो बेलनाकार रोलर के बीच में से गुजारा जाता है। इससे ये आटा एक लंबी शीट के जैसा रूप ले लेता है। अब इस आटे की शीट को कई और बहुत सारे रोलर के बीच से गुजारा जाता है। इससे ये आटे की शीट बिल्कुल पतली हो जाती है। अब आखिर में ये मशीन इस आटे की शीट को नूडल्स की शेप में काटती चली जाती है। ये मशीन इन नूडल्स को एक समान शेप में काटती है। अब इन नूडल्स को ड्रायर में पकाया जाता है। यहाँ पर ये नूडल्स 80% कुक हो जाते हैं और बाकी के 20% आप अपने घर पर कुक कर ही लेते हैं। आप ड्रायर में ये नूडल्स पकने के बाद इन नूडल्स को एक और कटर मशीन की मदद से छोटे छोटे नूडल्स के रूप में काट लिया जाता है। अब इन नूडल्स को पन्नी में पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। ऐसे फैक्ट्री में नूडल्स को तैयार किया जाता है। कुरकुरे मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कुरकुरे बनाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कॉर्न मील, ग्रैम मील और कुरकुरे का कई चीजों से मिलाकर तैयार किया गया स्पेशल मसाला और MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो सुअर की चर्बी से तैयार किया जाता है, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस रॉ मटेरियल को एक बड़े सारे ग्राइंडर में डाला जाता है
और फिर इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को एक कुरकुरे की शेप देकर इन्हें फ्राई किया जाता है। और फिर आखिर में इन कुरकुरों में स्पेशल मसाला मिक्स कर दिया जाता है और अब इन कुरकुरों को तेजी के साथ में ये मशीन पैक कर देती है। च्युइंग गम मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों च्युइंग गम जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले गम को एक मिक्सर में डाला जाता है और फिर इसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर और सोर की चर्बी से तैयार MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट इन सब चीजों को डाला जाता है और फिर यह मशीन इसे मिक्स करना शुरू कर देती है और इसके ऊपर चीनी या शक्कर की चाशनी डाली जाती है ताकि गम सॉफ्ट और मीठा बन सके और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दूसरी मशीन में डालकर एक च्युइंग गम का आकार दे दिया जाता है और फिर इसके बाद इसको पैक कर दिया जाता है। टॉफी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों टॉफी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े सारे बर्तन में फ्लेवर शुगर और MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो सुअर की चर्बी से तैयार किया जाता है इन सब चीजों को एक बड़े सारे बर्तन में उबाला जाता है और फिर बाद में इसे एक बड़े सारे बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर को मशीन में डाल दिया जाता है और फिर ये मशीन इस मिक्सचर को खींच कर एक टॉफी का आकार देकर फटाफट तेजी से टॉफियों को पैक कर बाहर एक टोकरी में डालती रहती है। चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आप जो चॉकलेट अपने बच्चे को खिलाते हो क्या आपको पता है वो चॉकलेट कैसे बनती है? दोस्तों आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये चॉकलेट कैसे बनती है। दोस्तों चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले कोकोआ को तोड़कर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है फिर इसके अंदर से कोकोआ के बीजों को निकाला जाता है फिर इन कोकोआ बीज को धूप में सुखाया जाता है फिर इन बीजों को भुना जाता है इससे इनके अंदर फ्लेवर आता है फिर इन बीजों को पीसकर इनका पाउडर बनाया जाता है फिर इस पाउडर को चॉकलेट चिप्स का आकार दिया जाता है फिर इन चिप्स को पैकेट में भरकर इन्हें अलग अलग कंट्रीज में भेजा जाता है फिर चॉकलेट बनाने वाली कंपनी में इन कोकोआ चिप्स के साथ बटर शुगर और तीन ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो सुअर की चर्बी से बनते हैं E631, E620 और MSG इनमें से किसी एक इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लिया जाता है। इस पेस्ट को तीन मशीन के थ्रू पास किया जाता है ताकि चॉकलेट को इसका स्मूथ टेक्सचर मिले फिर इस लिक्विड चॉकलेट पेस्ट को चॉकलेट के मोल्ड्स में डालकर इन चॉकलेट को फ्रीजर में रख दिया जाता है फिर जब ये चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती हैं, तो इन चॉकलेट को चॉकलेट मोल्ड्स के अंदर से निकाल लिया जाता है और फिर इन चॉकलेट को आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। स्वीट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों फैक्ट्री में ज्यादा मात्रा में तेजी से गुलाब जामुन बनाने के लिए मावे का एक मिक्सचर तैयार कर इसमें सुअर की चर्बी से तैयार MSG को डाला जाता है। इस मिक्सचर को मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इस मिक्सचर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर इन टुकड़ों को गोल आकार भी ये मशीन खुद ही दे देती है। फिर इनको तेल में फ्राई करके चीनी की बनाई गई चाशनी में 2 घंटों तक रखा जाता है और फिर इन गुलाब जामुन को डब्बों में पैक कर दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्री में मिठाइयां तैयार की जाती हैं। सोप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों नहाने का साबुन बनाने के लिए सबसे पहले ग्लिसरीन फैटी एसिड और सुअर की चर्बी से तैयार MSG जैसे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाकर इनका एक बारीक पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद इस पाउडर को मशीन में डाल देते हैं। फिर बाकी का साबुन बनाने का सारा काम ये मशीन खुद करती है। ये मशीन नहाने का साबुन ऑटोमेटिकली तैयार कच्चे माल के हिसाब से बनाती चली जाती है।
कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर दवाई के रूप में कैप्सूल भी दे देते हैं। दवाई के रूप में लिया जाने वाला कैप्सूल हर व्यक्ति ने खाया होगा, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कैप्सूल ना खाया हो। लेकिन दोस्तों आप ये बात जरूर जानकर चौंक जाएंगे, इस कैप्सूल को बनाने में सुअर और सांड के मांस का यूज किया जाता है। दोस्तों कैप्सूल का जो कवर होता है वो दिखने में प्लास्टिक का लगता है, लेकिन दोस्तों ये कवर जिलेटिन से बना होता है। जिलेटिन मांसाहार की श्रेणी में आता है। जिलेटिन बनाने का एकमात्र स्रोत जानवरों का मांस ही होता है। इस जिलेटिन को बनाने के लिए सुअर और सांड का इस्तेमाल किया जाता है, जो इन जानवरों के खून और इनके जोड़ों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू को उबालकर इस जिलेटिन को प्राप्त किया जाता है। और ये जिलेटिन बनाने की सारी प्रक्रिया फैक्ट्री के अंदर ही होती है। दोस्तों कौन सा कैप्सूल जानवरों के मांस से तैयार किया गया है, इसकी पहचान का सबसे सरल तरीका यह है कि जिस कैप्सूल के पेट के ऊपर हार्ड जिलेटिन लिखा होता है वे कैप्सूल जानवरों के खून और मांस से तैयार किया गया होता है। दोस्तों कैप्सूल फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले कंपनियां कैप्सूल के कवर को तैयार करती हैं। कैप्सूल के कवर को तैयार करने के लिए कंपनियां सबसे पहले जानवरों के खून और जानवरों की हड्डियों के अंदर से उनका प्रोटीन और टिश्यू को निकाल कर इन्हें उबालती हैं। और फिर जिस कलर का कैप्सूल बनाना होता है उस कलर को मिक्स कर कंपनियां एक लिक्विड तैयार कर लेती हैं। इसके बाद कैप्सूल नुमा मेटल के सांचों को इस लिक्विड में डुबोया जाता है, जिससे इन सांचों पर ये लिक्विड चिपकने के बाद कुछ ही देर में एक कैप्सूल के कवर का रूप ले लेता है। इस तरीके से कैप्सूल के कवर तैयार हो जाते हैं। और फिर इन कैप्सूल के कवर के अंदर दवाई के पाउडर को भरा जाता है। इसके बाद ये मशीन कैप्सूल के ऊपर वाले कवर को और नीचे वाले कवर को अच्छी तरह बंद कहकर कैप्सूल को तैयार कर देती है। और फिर आखिर में इन कैप्सूल को पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों कौन सा प्रोडक्ट सुअर की चर्बी से नहीं बना हुआ है, इसकी पहचान का सरल तरीका ये है कि आप जिस प्रोडक्ट को भी खरीदें उसको खरीदने से पहले उसके पैक पर लिखी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ें। अगर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आपको MSG, E631, E620 लिखा दिखे तो तुरंत आप समझ जाएं कि इसमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और हाँ दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।